नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों कैसे हो, इस वीडियो में बात करेंगे मकर वालों के दंपत्य और प्रेम जीवन के संबंध में। जुलाई माह की ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है दोस्तों। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर जुलाई माह आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को छुएंगे। सिंगल दोस्तों के सुने और वीरान पड़े प्रेम जीवन में भी बहार आएगी। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। जुलाई माह के शुरुआती दो सप्ताह प्रेमीजनों और शादीशुदा दोस्तों के लिए अत्यधिक उत्तम है। यह समय प्रेम जीवन में कई सुखद पल लेकर आएगा। इस अवधि में शत्रुओं पर भी आपकी पकड़ मजबूत होगी। जुलाई माह में गोचर वश चार ग्रहों बुध, शनि, शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन है। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 13 जुलाई तक भौतिक सुखों के कारक शुक्र की शुभता आपके मन में प्रेम प्यार भावना जागृत करेगी। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। शुक्र प्रेम प्यार एवं रोमांस कारक भी है। शुक्र से प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। इसके साथ ही आपकी राशि के लिए शुक्र प्रेम प्यार भाव का स्वामी भी है, इसलिए शुक्र के शुभ अशुभ गोचर से आपके प्रेम जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों 13 जुलाई तक शुक्र आपकी राशि के प्रेम प्यार भाव अपने ही भाव पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। प्रेमीजनों के लिए यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। प्रेमीजन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, रोमांटिक गीत संगीत सुनना पसंद करेंगे। इस दौरान आप कला एवं क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आपके व्यक्तित्व और क्रिएटिविटी को देख प्रेमीजन बहुत प्रभावित होगा। नए प्रेम प्रसंग बनाने जा रहे हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए 13 जुलाई तक का समय अधिक बेहतर है। परिस्थितियां हर प्रकार से आपके पक्ष में बनी हुई है। सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। संचार व पर सवग्रही गुरु के प्रभाव से आपकी कम्युनिकेशन स्किल लाजवाब होगी। सामने वाले पर आपकी बातों का बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रेम प्यार के अलावा अगर आप एक्टिंग, डांसिंग और मॉडलिंग जैसे क्षेत्र में हाथ अजमाने के संबंध में सोच विचार कर रहे हैं तो 13 जुलाई तक का समय इसके लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। शुक्र दंपत्य कारक भी है, इसलिए शुक्र की शुभता का दंपत्य जीवन में भी बहुत लाभ मिलेगा। दंपत्य सुखों में वृद्धि होगी। आपका साथी आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करेगा। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता के साथ परस्पर आकर्षण और लगाव बढ़ेगा। दोस्तों जुलाई माह में शुक्र से पहले शनि का राशि परिवर्तन है। इस माह शनि वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। 12 जुलाई तक शनि वाणी भाव पर संचार करेगा। वाणी भाव पर वक्री शनि के प्रभाव से वाणी पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी, नहीं तो वाणी के कुप्रयोग से मित्र भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने पर उतारू हो सकते हैं, प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। 12 जुलाई को शनि राशि परिवर्तन कर फिर से आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 ग्रहों मंगल, शनि और गुरु की दृष्टि दंपत्य भाव पर पड़ेगी। यहाँ मंगल और शनि की दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी तो गुरु की दृष्टि उसकी भरपाई कर सकारात्मक माहौल बनाने का कार्य करेगी। इसलिए 12 जुलाई के बाद दंपत्य सुखों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। इस अवधि में दंपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। 13 जुलाई तक शुक्र भी प्रेम प्यार भाव पर अपनी शुभता बिखेरते हुए प्यार करने वालों के लिए आनंद का माहौल बनाएगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख, शांति, आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। 13 जुलाई को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस समय अपने साथी पर अच्छा खासा वाये करेंगे। घूमने फिरने और मौज मस्ती के अवसर मिलेंगे। साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों 16 जुलाई तक सूर्य भी शत्रु स्थान पर संचार करेगा। सूर्य की यह स्थिति शत्रुओं पर विजय सुख का
आनंद प्रदान करेगी। 16 जुलाई को सूर्य तो 17 जुलाई को बुध भी राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गर्म ग्रह सूर्य की यह स्थिति आपके स्वभाव में क्रोध और अहम के भाव की अधिकता पैदा करेगी। क्रोध की अधिकता दाम्पत्य सुख को प्रभावित कर सकती है। खासकर जुलाई माह के अंतिम 2 सप्ताह अपने साथी के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें, तालमेल बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान बने रहें, नहीं तो दाम्पत्य सुख बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर मास के अंत में शादीशुदा दोस्तों को खास सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। प्रेमियों के लिए यह समय आनंदमय और सुखमय रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।